सतना जिले के उचहरा वन परिक्षेत्र गड्ढौत में जल संरक्षण व आदिवासियों की आजीविका के साधनों को लेकर दो दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ हुआ। के रमन, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक ग्रीन इंडिया मिशन चित्रंजन त्यागी व अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक संयुक्त वन प्रबंधन मदन कांत पाठक राजीव मिश्रा की मौजूदगी में हुआ। विषय विशेषज्ञों ने कहा, वर्तमान समय में वर्षा और पर्यावरण की स्थिति को देखते हुए जल संरक्षण के लिए सभी स्तर के लोगों के आगे आने की जरूरत है। निर्धारित योजना के तहत ऊपरी भूमि पर उपचार, जल संरक्षण हेतु चेक डैम, पौधरोपण आदि के माध्यम से जल का संरक्षण व संवर्धन हो सकेगा। इसके लिए खासकर ग्रामीणों को जागरूक होने जरूरत है। जल के बिना किसी विकास नहीं है। अगर जल संरक्षण पौधरोपण के प्रति समय रहते ध्यान नहीं दिया गया तो अच्छा खासा मूल्य दे खरीदने पर भी पानी मिलना असंभव होगा। अगरबत्ती केंद्र का लोकार्पण। गढ़ौत ग्राम पंचायत में आदिवासियों के रोजगार के साधन के लिए बनाए गए अगरबत्ती केंद्र का लोकार्पण शनिवार को पद्मश्री बाबूलाल दाहिया के हाथों हुआ। कार्यक्रम में मुख्य रूप से रजू बापना सीईओ जिला पंचायत, मनोज मिश्रा सेवानिवृत्त वन अधिकारी, श्याम बोहरे सहभागी नियोजन एवं क्षमता वृद्धि विशेषज्ञ, आरबी शर्मा सेवानिवृत्त डेपो, धीरेन्द्र प्रताप सिंह हेसडियो सतना, एसके शर्मा एसडियो मेहर, रमा शंकर त्रिपाठी स्थानीय स्तर पर कार्यरत स्वयंसेवी संस्थाओं के सदस्य, जनपद अध्यक्ष व जनपद सदस्य मौजूद रहे। सतना से संवाददाता रवि शंकर पाठक की रिपोर्ट। रोजगार के अवसर अगरबत्ती से काम से प्रारंभ हुआ। हमारी बहनें हमारे बच्चियों ने इसमें भाग लिया और 35 बच्चे यहाँ पर काम करते हैं। तो सभी लोग हम लोग ये चाहते थे कि कम से कम 100 महिलाओं को स्वरोजगार देने के लिए ये केंद्र हमारा आपको कम से कम 100 महिलाओं को रोजगार दे आप। अब उसमें जो सपना ये देखा गया है कि 35 तो इसमें अगरबत्ती बना रही हैं, इसके बाद 44 महिलाएं हमारी 3-4 समूह की हैं जो पिछले जिन लोगों ने आग से और जंगल में बचाया हुआ है, उन महिलाओं के लिए 4 समूह हैं, 44 महिलाएं हैं उन लोगों के लिए। यहाँ पर पीछे वर्मी कंपोस्ट का यहाँ पर पूरा सेटअप तैयार कर दिया गया है। आप लोगों ने भी सभी को टाइम होगा हम लोग दिखाएंगे। 44 महिलाएं वो होंगी। उसके बाद अभी मैं सब लोगों को बताना चाहूँगा कि जो एक्सपोजर विजिट टूर जो गया था जो जाता है, और हम लोगों ने भी अंबिकापुर में भेजा था अपना टूर, और इस वनमंडल से पहली बार 2 बस गई थी। एक बस में पुरुष थे, एक बस में महिलाएं थी। पहली बार इस वनमंडल से किसी टूर पर महिलाएं गई, और उसमें मैं बाद में इन लोग से अनुरोध करूंगा रेंद्र साहब लोग से कि दो महिलाएं अपना उसमें अनुभव बताएं। रेंद्र साहब कहते हैं इन महिलाओं ने जो वहां पर काम कर रही थी स्वरोजगार के लिए महिला, उनसे इन लोगों की जो बातचीत होती है, जो नॉलेज का जो आदान प्रदान है वो बहुत अच्छे से हुआ। इन लोगों ने वहां सीखा कि फूलों की खेती वहाँ कर रहे थे, गेंदा के फूलों की खेती कर रहे थे। आप लोगों ने कहा कि सर यहाँ पर देवी जी का मंदिर है, गेंदा के फूल के भी खेती कर रहे हैं। ये रजू साहब लोगों ने उसको चीज को मार दिया और पीछे यहीं पर जुताई करा दिया है। गेंदा के फूलों की खेती के लिए तैयारी कर ली गई है। इन्हीं समूह द्वारों को गेंदा के फूलों की खेती कराया जाएगा। इसी के पीछे में एक तालाब है, 3 तालाब है यहाँ पर, इसमें मछली लगी हुई है। इसके बाद फिर वर्मी कंपोस्ट, गेंदा के फूल, मधुमक्खी पालन के लिए हम लोगों ने बात किया है कि हम लोग सफल होते हैं तो मधुमक्खी पालन के लिए एक समूह को यहाँ पर हम लोग इंगेज करेंगे। क्योंकि गेंदा की फूल की खेती होगी, मधुमक्खी पालन भी होगा, तो उसमें दोनों चीज़ें मिक्सअप हो जाएगी। अनुपमा एक सोसाइटी ने उससे बात कर ली थी, उसमें करेंगे। इसके बाद रेजर साहब ने वहाँ पर देखा कि मशरूम की खेती हो रही है, बटर मशरूम की, वो भी इनने आज प्रारंभ कर दिया है। इस सड़क के उस पार में छोटा सा हम लोग का जो नाटा है वहाँ पर मशरूम की खेती का काम भी आप लोगों ने प्रारंभ किया है। अभी प्रारंभिक स्टेज पे है, सफल नहीं हुआ है, लेकिन हमारी पूरी कोशिश रहेगी सफल। फिर आप लोगों ने बात किया महिला बहनों से, तो एक समूह बोल रही थी साहब हम लोग दूध पालन कर सकते हैं, गाय मिल जाए, जमीन हमारे पास में है, पूरी यहाँ पर हो गई है, बढ़िया पानी मिला है, क्योंकि 3 तालाब इस साल भरे हुए हैं। तो आप लोगों का कहना था कि साहब उससे हमारा कम दूरी पे, कम गहराई पे हमको पर्याप्त पानी मिल जाए।
जब पानी मिल गया है तो हम लोग यहाँ पर फूलों की खेती कर सकते हैं, गायों की यहाँ पर पालन हो सकते हैं। तो यदि सभी लोग सब तैयार रहेंगे तो ग्रीन इंडिया मिशन में चूंकि आजीविका एक बड़ा साधन है और रमन सर हमेशा स्वरोजगार के लिए गाँव की भलाई वाले हाथ की स्कूल में बढ़ा रहे हैं। सर का दूसरा ग्रीन इंडिया मिशन में हमें सबसे बड़ा फायदा हो रहा है कि भोपाल वाले हमें पूछते हैं कि क्या कर रहे हैं, उससे हम लोग को प्रेरणा मिलती है, उससे हम लोग मार्गदर्शन मिलते हैं। उस रूप में यदि हम लोग का ये सबका सफल हो जाता है तो कम से कम 100 महिलाओं को यहाँ पर रोजगार के लिए हम लोग केंद्र बना देते हैं। इसके अलावा मैं बताना चाहता था कि जैसे है कि फेंसिंग मटेरियल हम लोगों ने ट्रांसलेशन किया यहाँ पर, फेंसिंग मटेरियल में हम लोग को चेन लिंक फेंसिंग और सीमेंट के पोल लगते हैं, लेकिन ग्रामीणों से ही चूंकि यहाँ पर हमारे पास संसाधन रूप में बांस पर्याप्त मात्रा में मौजूद है, बांस के जो घिर रहे उसकी सफाई कर करके ग्रामीणों ने टटिया यहाँ पर बनाया हुआ है। ये टटिया से हम लोगों ने यहाँ पर फेंसिंग किया है। इसके दो फायदे हैं, एक तो पूरा पैसा हम लोगों ने जो पेमेंट किया है वो हमारे लोगों पे गया, इसी लैंडस्केप के लोगों पे गया है। दूसरा फायदा इसके ये हुआ है कि बांस के घिरों की सफाई हुई। तीसरा उसको बता रहा स्टाफ के साथ ये भी फायदा हुआ है कि कई बार वन्य प्राणी जो है फेंसिंग में चेनिंग फेंसिंग में फंसते हैं, फंस जाते हैं, घायल हो जाते हैं, ऐसी प्रथा है। इसमें वन्य प्राणी के लिए फ्रेंडली इको फ्रेंडली कहें या वाइल्ड लाइफ फ्रेंडली कहें। और ये हम लोग का जो अनुभव है 3-4 साल हमारा चल जाता है, ये फेंसिंग सुधार करना हुआ तो बांस की घिरों सफाई की, फिर उसमें सामने उसमें एक दोहर लगा दिया, रिपेयर भी हुआ, ये पूरा पैसा हम लोगों ने बाहर नहीं जाने दिया। इसके अलावा महुआ के हम लोगों ने 600 पेड़ों का ट्रीटमेंट किया, तालाब बना, तालाब का यहाँ पे काम किया। ये सारा काम हम लोगों ने प्रयास किया है कि जो पैसा है गाँव का पैसा गाँव में जाए। और यहाँ पे अभी पौधे का वितरण किया है हम लोगों ने, पौधे भी यहाँ पर